रामेश जी, उनके अगले एपिसोड में क्या आने वाला है मैं बताने लगा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। रामेश जी, उनमें शानी की जो बहन है, वो उसका शौहर जो है वो शानी की बहन को कहता है कि शानी ने शानजे को माफ़ कर दिया, और वो क्या दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए हैं। इस पर शानी की जो बहन है वो कहती है कि ये कैसा सवाल है। तो उस पर उसका शौहर कहता है कि मैं एक मर्द हूँ और मैं जानता हूँ कि जब कोई सी लड़की को कोई लड़का इनकार कर दे तो उसका मतलब इनकार ही होता है। शानजे शानी को कहती है कि मैंने इस बहुत खुशी से इस रिश्ते को अपनाया, अगर मेरी खुशी की खातिर तुम अपनी पसंद और मर्जी को कुर्बानी कर दोगे तो क्या होगा। तो इस पर शानी कहता है कि कुर्बानी का वक्त चला गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। इधर शानी जो है वो सजीला को मिलने जाता है और सजीला कहती है कि बड़े चलाक हो तुम। तो आगे से शानी कहता है चलाक होता तो बेबस ना होता। और इस पर सजीला कहती है कि बेबस होते तो शानजे को अपने बस में ना करते। इस पर शानी कहता है कि बेबस में तो उसने मुझे किया है, शानजे ने। इस पर सजीला कहते हैं कि दीवानी है तुम्हारी और दीवानों का बस नहीं चलता।